बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं तारिक रोड पर। कोई भूखा नहीं सोएगा कराची में। आपने मुख्तलिफ मकामात पर देखे, हमने आपको इफ्तारी के मनाज़िर दिखाए। सैकड़ों मकामात पर जो है वो कराची वालों ने इफ्तार किया, लोगों की मदद की। ये एक बहुत अच्छा अमल है जो बड़े लोग करते हैं, लेकिन जब ये एक छोटा बच्चा और 13 साल का बच्चा जब ये अमल करे तो ये वो उम्र होती है बच्चों की जो खेलने कूदने की होती है। इस वक्त भी रमज़ान के अंदर जो है वो बच्चे खेलने कूदने में मसरूफ़ है, उनको बनी बने इफ्तारी घर में मिलती है। लेकिन एक ऐसा बच्चा भी है जो लोगों की मदद कर रहा है और दस्तरखान पर जो है वो लोगों को जो है वो खाना तकसीम कर रहा है, उनके लिए इफ्तारी तकसीम कर रहा है। यहाँ पर जो है वो हमारे साथ हसन अदील की वालदा मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनका ये सफ़र जो है वो किस तरह गुजर रहा है और आगे आने वाले दिनों में जो है वो इनके मजीद क्या ख्वाब है और क्या बड़ा करने जा रहे हैं। बस अभी तो हमारा जो सबसे मेन इनिशिएटिव यही था कि इस बुरे हालात में जहाँ पर इकोनॉमिकल हालात पाकिस्तान के बिल्कुल सही नहीं है, उसमें इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोगों को वो इफ्तारी कराएँ जो वो सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। तो आज माशाल्लाह पिछले 10 दिन से, यानी लास्ट अशर से ये सब हो रहा है। अगले आने वाले टाइम इंशाल्लाह हसन अपनी एजुकेशन साथ साथ कंप्लीट करो। मेरी ख्वाहिश है कि हम रोज़गार पे और इंशाल्लाह एजुकेशन पे भी कुछ काम कर सकें तो ज़रूर करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि एक माँ होने की हैसियत से आपको यकीनन ही बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है, आप क्या समझती हैं कि कितना बड़ा काम है और किस तरह जो है वो लोगों को ये करना चाहिए? अल्लाह ताला का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उसने मेरे घर पर हसन अता किया, हसन जैसा बेटा अता किया, और फिर साथ साथ में कि उसको इस काम के लिए चुना। देखिए, बहुत सारे बच्चे ना, हम बच्चों को आप स्कूल भेजते हैं, उनको नींद से उठाना पड़ता है ना, उठो चलो स्कूल का टाइम हो गया, छुट्टी नहीं हो सकती। शाम में ट्यूशन भेजते हैं ऐसे ही उठाते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी भेजते हैं तो ऐसे ही, आज छुट्टी नहीं करनी। 30 दिन हो गए पिछले 4 साल से हसन ने घर पर इफ्तार नहीं किया, कोई एक दिन भी नहीं है जिसमें हसन घर पर बैठा हो। और अभी पिछले रोज़ हसन हॉस्पिटलाइज था, यहीं पर गिरा है, उसे 104 बुखार हो गया था हीट स्ट्रोक की वजह से, मगर वो डॉक्टर को कहते हैं मुझे ऐसी ड्रिप लगाएंगे मैं दस्तरखान ना स्किप करूँ, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। आप ये जो अभी जो भी रमज़ान मुबारक में माशाल्लाह आप लोगों ने इतना बड़ा दस्तरखान लगाया, तो लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि जो खास तौर पर उन लोगों को जो रमज़ान मुबारक में निकल कर आते हैं, तनकीद बहुत ज़्यादा करते हैं अच्छे कामों पर, नहीं करनी चाहिए? देखिए, हम भी उसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं जिस फील्ड से बाकी लोगों को तनकीदों का सामना होता है, तो जितना बड़ा काम करेंगे इतनी बड़ी तनकीदें होंगी, इतनी बड़ी मुश्किलें आएंगी, इतनी तकलीफ़ें आएंगी, मगर उससे घबराना नहीं चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं उसमें मुश्किलें ही मुश्किलें हमारे काम में, पहले सबसे पहली मुश्किल तो ये कि डोनर को बोलो कि पैसा दो, खाना दे दो, फिर उसके बाद जगह का, फिर उसके बाद मतलब आप जगह जगह पे आपको प्रॉब्लम फेसेस करने पड़ते हैं, तो उसे हारना नहीं चाहिए। फिर अल्लाह, अगर अल्लाह के काम में मुश्किल नहीं होगी तो ये काम कबूल कैसे होगा? आपका पैगाम क्या है रमज़ान मुबारक? बस अलविदाई। पैगाम ये, हसन जैसे जितने ही बच्चे जिनके अंदर स्पार्क है, जो कुछ ऐसे जो कुछ हसन को देख के या मेरी ये वीडियो देख के अगर वो ये सोच रहे हैं कि मामा हम भी हसन जैसा बनना चाहते हैं, तो उनको हेल्प करें, निकालें अपने पाकिस्तान के बच्चों की जो मुस्तकबिल का जो इंशाल्लाह रोशन सितारे हैं, उनको बाहर भेजें और पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करवाएं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हसन अदील की वालदा हमारे साथ मौजूद थी और आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है वो मगरिब का वक्त करीब होने वाला है और बाकी जो है वो मनाजिर हम आपको दस्तरखान पर दिखा। देखिए, थकन महसूस नहीं होती, पता भी नहीं चलता दिन कैसे गुजर जाता है, दिलो जान दिलो रात लगाते हैं अपनी कि बस इस काम को जो है वो कामयाब कर दें। और देखिए, हम नहीं चाहते किसी के भी बंदे पे जो है वो, किसी के भी बंदे के चेहरे के ऊपर जो वो शिकंजा, हम चाहते हैं कि वो बंदा यहाँ से खुश होकर जाए, हम उसको ऐसा माहौल प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ से खुश होकर जाए। क्योंकि देखिए, मुल्की हालात ऐसे हो गए हैं कि हर बंदे के हालात हमारे घर में भी जो है ना बहुत मुश्किल आते हैं। अगर आप बाहर राशन लेने जाते हैं तो आप जो है वो सोच समझ के लेते हैं कि यार मैं ज्यादा नहीं ले लूँ वरना मेरा महीने का जो जेब खर्च है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा महीना गुजारना मेरे लिए। तो बस कोशिश कर रहे हैं इस काम को लेकर चल रहे हैं कि हर बंदे को खुश रखें यहाँ पे। बात सब इतनी सी है कि देखिए, जब आप इतने बड़े काम को लेकर चल रहे हो तो थकावट महसूस नहीं होगी। देखिए, मैंने ऐसे वर्ल्ड वाइड इंटरव्यूज भी दिए जिसमें उन्होंने कहा कि आप दुनिया भर के, ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ कराची, ना सिर्फ एशिया, बल्कि दुनिया भर के जो है वो आप यंग सोशल एक्टिविस्ट हैं, मगर गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा अवार्ड कुछ भी अभी तक नहीं हुआ, टिल नाउ नहीं हुआ। आवाम के लिए मैसेज देंगे कि देखिए, लोग जो है बहुत मुश्किल में, ज्यादा आगे बढ़े, कतरे कतरे से दरिया बनता है, अपने चौकीदार अपने घर के गार्ड से शुरू करें, इंशाल्लाह एक बार फिर से हम सब मिलकर इस मुल्क को एक रोशन पाकिस्तान दोबारा बनाए। भाई, जगह जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, आप देखें यहाँ पर जो है थोड़ी सी जगह बची है, बिल्कुल कोई 8-10 लोगों के लिए, बाकी तो जगह यहाँ पर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। और मज़ीद लोग वहाँ पर भी दूसरी साइड पर खड़े हुए हैं। जी, अज़ान मगरिब शुरू हो चुकी है और इफ्तारी का वक्त हो गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हज़ारों की तादाद में लोग
इफ्तारी कर रहे हैं इस दस्तरखान पर। टीम भूखे नहीं सोएंगे की जानिब से ये ग्रैंड अफ्तारी 27 रमज़ान मुबारक की, जो कि हम आपको तारिक रोड से इसके मनाजर दिखा रहे हैं। और इंसानियत की खिदमत में जो है वो पेशवेश हसन अदील, उनकी वालदा, उनकी टीम, सबको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो खराज तहसीन, लायक तहसीन है इस बात पर। अल्लाह का शुक्र है, अच्छी थी। अस्सलाम वालेकुम। बेहतरीन बेहतरीन जी जी। कैसी कैसी रही? बेहतरीन, बहुत अच्छी, बहुत शानदार जी जी। तारीख कर ली जी? कैसी बहुत अच्छी लगी जी जी। क्या पैगाम है? बस ये कि अल्लाह करे और दे इनको। बिल्कुल बिल्कुल, अगले साल इंशाल्लाह मज़ा आया। कैसी लगी इफ्तारी? बहुत अच्छी, अच्छी थी जी जी। अल्लाह शुक्र है, माशाल्लाह बहुत प्यारी हुई है। अल्लाह सब कुछ तो ये कम आ गए जो खिला रहे, और सबसे खुशी की बात। कैसी रही इफ्तारी? बेहतरीन माशाल्लाह, अच्छी लगी, बेहतरीन, मजा आया, बेहतरीन। कोई पैगाम देंगे? बस अल्लाह पाक, अल्लाह पाक इनको इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक आगे भी तौफीक दे। बेहतरीन बेहतरीन, माशाल्लाह बहुत अच्छा निज़ाम है, माशाल्लाह बहुत। रमजान बस दो तीन दिन ही रह गए रमजान, बस यही इंसानों की खिदमत कर रहे हैं, ये अच्छा काम है। माशाल्लाह बहुत अच्छी और बहुत प्यारी इफ्तारी थी, अल्लाह पाक इनको खुश रखे। रोज़ नहीं आया मैं, दूसरी दफ़ा आया हूँ। इनकी इफ्तारी माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको और दे, बहुत अच्छी इफ्तारी करवाते हैं। मैं तकरीबन 4-5 सालों से देख रहा हूँ यहाँ पर, हाँ मैं यहीं जॉब करता हूँ, लेकिन बहुत अच्छी अफ्तारी करवाते हैं, बड़ी अफ्तारी होती है, काफ़ी लोगों का, हज़ारों लोगों का मजमा होता है। अल्लाह पाक इनको और तौफीक दे। और हम लोग तारिक रोड से आते हैं, यहाँ पे अफ्तारी बहुत अच्छी होती है, अल्लाह पाक इनको बढ़ा के दे। जी तो ये अफ्तारी बना देते हैं, क्योंकि हमने आपको तारिक रोड दिखाए, और रमजान मुबारक के आखिर में यहाँ चल रहे हैं। रमजान मुबारक ये ग्रैंड सेलिब्रिटी 27 रमजान मुबारक की, जो कि अफ्तारी है। आखिर मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जिस दिन लोगों को ये बात समझ आ गई कि मोहम्मद खाली करने जाती है, उनके दो ऐसे पर अमल खाई जाए। इन शाला अगली वीडियो में आपके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें।